मम्मी, उस बेचारी लड़की का तो दिल छलनी हो गया होगा। जरा सोचो, जिस लड़की की शादी होने वाली हो, उसका होने वाला पति दूसरी लड़की के सामने घुटनों पे बैठ के शादी के लिए गिड़गिड़ा रहा हो, तो मैं क्या करूं? मैं समझ ही नहीं पा रही कान्हा जी। नहीं, मुझे एमजी के बारे में ऐसी वैसी कोई बात नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन फिर वो बातें जो उनकी अपनी ही किंजल बहन ने मुझसे कही, और झूठ बोलकर उन्हें क्या मिल जाएगा? क्या करूं? गोपी बहन, तुम उदास क्यों हो? अच्छा गोपी बहन, मुझे बताओ, वहाँ पे तुमने मुझे जो बोला था कि आप में कुछ चला गया है, तुम मुझसे झूठ बोल रही थी ना? तुम रो रही थी ना? नहीं पन्ना, कहा ना आप में कुछ चला गया था। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम रो रही थी। इतना इतना कुरेदे क्यों जा रही है? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है। चल जा, वो सारी बत्तियां बंद कर दे और बरामदे के भी बंद कर दे। खुशियों के पीछे नहीं आऊंगी, कभी नहीं। बस अब एक आखिरी चाल, और उसके बाद तुझे मिसेस जिगर मोदी बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्या बात है? वो मामी से बात करनी है। आओ। शुभ छे छोकरी। मामी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? मैं ये लगन नहीं करना चाहती। नहीं करेगी? सुना तुमने?
पहले तो तेरे हाथ आया रिश्ता, खुद चपट गई और अब बोल रही है कि लगन नहीं करेगी। ये सब जानते हुए भी कि ये संबंध जोड़ने में और उन मोदी जैसे लोगों का मान रखने में ही हम कंगाल हो गए। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो भी कपूर की तरह उड़ गई। मैं समझती हूँ मामी, पर ये भी तो सच है कि अगर ये लगन हो गया तो ये ना के बराबर होगा। मामी, अहम जी इस रिश्ते से खुश नहीं है। अरे वाह, तू तो जैसे अहम के पेट में घुस के वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है सब कुछ निकाल के बाहर ले आई। मैं ये बात जानती हूँ कि अहम जी तुमसे ये बात कह ही नहीं सकती। फिर बता, किसने तुझसे ये कहा कि अहम जी तुझसे शादी नहीं करना चाहते? वो राशि बहन, मैं ये वो मत कर, चल जा अपने कमरे में। अरे हाँ, छोकरी तो मारू दिमाग खराब करी नाक्षे। कितनी आसानी से कह दिया ना कि ये शादी नहीं करेगी। अरे एक बार भी अपने उस मामा के बारे में सोचा जो तुझ पर जान छिड़कते हैं, जिनके पास रोकड़ा नहीं फक्त अपनी इज्जत है। और इतना ही नहीं, मेरी दिकरी तो बिन ब्याही रह जाएगी, तेरे मुंह पर नहीं पूरा खानदान हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। निकल यहां से, निकल, जाना देखती है, जा। जो भी हो, इस छोकरी को तो ताले में बंद करके रखना ही पड़ेगा। अगर बात जरा सी भी उस मोदियों तक पहुंच गई तो। नहीं मम्मी, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहिए। अगर ऐसा हो गया तो मेरी बनती हुई बात भी बिगड़ी समझो। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि गोपी के भेजे में ये बात डाली तो डाली किसने? मालूम तो करना ही पड़ेगा। हेलो सो किंजल, शादी कैंसिल होने के बारे में बात कितनी आगे बढ़ी? आगे तो जरूर बढ़ी होगी। क्यों? मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। गोपी को भी मैंने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। आई होप कि वो मेरी बात पर गौर करे। किंजल, तुमने किससे क्या कहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि ये शादी रुक जानी चाहिए। अगर ये शादी नहीं रुकी तो शादी की तरफ बढ़ता हमारा ये रिश्ता टूट जाएगा। सो किंजल डार्लिंग, अगर तुम मुझे खोना नहीं चाहती तो कुछ भी कर कर ये शादी रुकवा दो। गोपी बहन, बताओ ना तुम्हें शादी क्यों नहीं करना चाहती? बताओ ना गोपी बहन। हेलो, क्या हुआ? घर में बताया तुमने कि तुम ये शादी नहीं कर सकती या ये शादी नहीं हो सकती? चुप क्यों हो तुम? मुझे जवाब चाहिए। वो किंजल बेन, मैंने सबसे बात
की है, लेकिन मैं ऐसी ढीली ढाली बातें नहीं सुनना चाहती, समझी तुम? कल लगन मंडप के दिन मुझे तुम्हारी सूरत भी नहीं दिखनी चाहिए। जो भी हो, जैसा भी हो, बस मेरे भाई का पीछा छोड़ो। उनकी खुशियों पर ये गोपी नाम का ग्रहण मत लगने दो, समझी तुम? तो मुसीबत की जड़ ये किंजल है। ए, तू यहाँ क्या कर रही है? जा जाके बाहर खेल, चल जा। तू इसकी बातों में आकर इस रिश्ते से ना कर रही है, तुझे हमारी नहीं इस किंजल की पड़ी है। जा निकल यहां से, चल जा। क्या बात है मम्मी, आप क्यों चिल्ला रहे थे? तुझे पता है वो लोमड़ी किंजली है जो गोपी को बहला फुसला रही है। मैंने अभी अपने कानों से सुना है वो गोपी को शादी ना करने की धमकी दे रही थी। जैसी माँ वैसी बेटी, पर इस बार मैं उसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। सुन दिकरा, वैसा वैसा करती जा जैसा जैसा मैं कह रही हूं। समझ गई मम्मी। बड़ी समझदार है तू। मैं अभी जा रही हूं, तू पीछे पीछे आ जाना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।